आगे बढ़ेंगे। आज से बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू हो गया है। यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए मायावती ने एक बार फिर से सोशल इंजीनियरिंग का दांव चला है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने पूजा पाठ के बाद वायदा किया कि अगर बीएसपी की सरकार बनी राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। ब्राह्मण समाज अपेक्षित है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उस संबंध में जो हमने कार्यक्रम शुरू किया पूरे प्रदेश में, हर जिले में जाएंगे, हर जिले में और लगातार निकलेंगे। तो शुरुआत हमने अयोध्या से की है, भगवान श्री रामलला का आशीर्वाद लेते हुए, और आज बजरंगबली के फिर उनके बाद आशीर्वाद लिया। दोनों लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हो गया है और मुझे पूरा ये उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा से और बजरंगबली की आशीर्वाद से ये पूरा अभियान हमारा उत्तर प्रदेश का बहुत सफल होगा। एक साथ योगी और मोदी को, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, जिससे डर बस कोई प्यार नहीं इनको, ब्राह्मणों से कोई लगाव नहीं है, बहन जी को किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है। शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अब ब्राह्मण और साधु संतों को एक करने के लिए इनका स्टैंड है। प्रबुद्ध वर्ग और कुछ भी नहीं, इनके लोग तो गाली देते थे, मठ मंदिर में आते नहीं, पूजा नहीं करते, तो लेकिन मैं साधुवाद दूंगा, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम सनातन की ओर लौटी, तो बिना उसका कल्याण संभव नहीं है बहन जी का।